नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ, आप सभी अपने आसपास बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जिनका कि फैट बहुत ज़्यादा होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, खास करके कोई भी चीज़ झुक करके उठाना हो या फिर बैठना, उठना, लेटना, हर तरीके से उनको प्रॉब्लम होती है। और कहीं जाना हुआ तो वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हैं। इसके अलावा अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वास्थ्य को लेकर के कि मोटापा अपने आप में बहुत सी बीमारियों का घर है और जड़ है। जी हाँ, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा अननेसेसरली बढ़ रहा है तो समझिए कि आप कई बीमारियों की चपेट में आने वाले हैं। आपका शरीर जो है वो बहुत सारी बीमारियों का घर बनने वाला है, क्योंकि मोटापा उसकी जड़ होती है। तो इसको सवाल ये आता है कि हम नेचुरल तरीके से कैसे ख़त्म करें। जी हाँ, मोटापा अगर हमारा बढ़ ही गया है तो इसको कंट्रोल कैसे करें, वो भी नेचुरल तरीके से। क्योंकि आप जो भी ऑपरेशन के थ्रू निकलवाते हैं अपना मांस, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। समय के साथ आपको बहुत संभल के किसी भी कार्य को करना पड़ता है। आप किसी भी कार्य को, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप बोझ नहीं उठा सकते, भारी वजन नहीं उठा सकते। सबसे बड़ी बात कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए नेचुरल तरीके से अगर वज़न को कम किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। इसके लिए आप सभी के लिए हम आज लेकर के आए हैं कुछ एक औषधियाँ, जो कि घरेलू औषधियाँ हैं, जिनके प्रयोग से आप अपने वज़न को आसानी से कम कर सकते हैं। इसके लिए जो आप सभी को ज़रूरी सामग्री चाहिए होगी वो नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा 50 ग्राम धनिया पत्ती, एक खीरा, एक चम्मच शहद, एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच पिसा हुआ अदरक और आधा ग्लास पानी। इन सारी सामग्रियों को आप इकट्ठा कर लें और सबसे मेन जो बात है, क्लीन कर लें, इनको धो के क्लीन कर लें। इसके बाद सारी सामग्री को साफ करने के बाद आपको ब्लेंडर में डालकर इसे ब्लेंड कर लेना है और आपका मिश्रण इस प्रकार से तैयार हो जाना है। अब देखिए कि इसका सेवन आप कैसे करेंगे। हर रोज़ जब भी आप सोने जाएं, उससे पहले इस ड्रिंक का सेवन करें जो आपने मिश्रण बना रखा है। इसका सेवन आप अगर नियमित रूप से करते हैं तो आप देखेंगे कि खुद ही आपकी बॉडी में चेंजेज होने लग जाएंगे। इस ड्रिंक के सेवन के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज और अपने खान पान का भी ख्याल रखें और रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी का सेवन अवश्य करें। क्योंकि आप अगर मान लीजिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं और फास्ट फूड खाते हैं, बहुत सारे बाजारों मसाले वाले खाने खाते हैं, तो आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी आप जूस पी लें, कुछ भी उपाय कर लें, क्योंकि फिर पुनः आपका वज़न तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो वर्क करना है आपको, वो अपने खान पान पे करना है। आपको सात्विक सादी चीज़ें खानी है, पौष्टिक चीज़ें खानी है, हरी साग सब्जियों का सेवन खाने में ज़्यादा करना है। इसके अलावा 8 गिलास पानी आपको हर रोज़ पीना है। फिर अगर आप इस औषधि को लेते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपका वज़न आसानी से और तेज़ी से कम होगा। इस जानकारी को आप शेयर करके अपने मित्रों को ज़रूर बताइए, क्या पता आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि आपके आसपास ऐसे होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ मोटापा ज़्यादा होने की वजह से। कहीं आना जाना से लेकर के और खाना पीना से लेकर के, कॉन्फिडेंट से लेकर के, कपड़े लाते, सब कुछ उस मोटापे के अकॉर्डिंग उनको करना पड़ता है, न कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर पाएँ। इसीलिए आप भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ को खुल के जी पाएँ, इन्जॉय कर पाएँ, तो फिट रहें, खान पान को सही रखें, सुरक्षित रहें। जी हाँ, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले अंक में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।